हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है इस मेकअप लुक के ऊपर। ये मैंने क्रिएट किया है नाइट टाइम नवरात्रि मेकअप लुक। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, जितनी सारी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लस जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है एंड जो कुर्ता मैंने पहना उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी मैंने मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया। नाउ आई विल बी यूजिंग अ मॉइस्चराइजर टू मॉइस्चराइज माय फेस एंड ये है बॉडी शॉप का विटामिन सी ग्लो बूस्ट मॉइस्चराइजर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है बट इट इज़ प्राइसी, बट देन इट्स वर्थ द प्राइस। सो इसे मैं लगाऊंगी। प्राइमर के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये लैकमे का प्राइमर है एंड ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है एंड इट्स अ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। एंड ये इसका जो कलर है ये पिंक है, तो इस चीज़ से लाइक ये कलर से जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। देन डायरेक्टली आई स्टार्ट विथ आई मेकअप एंड उसके लिए मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ऑन द आईलिड्स एक बेस देने के लिए आई शैडो को। तो ये मैंने लगा लिया मेबलिन फिट मी का है इन द शेड सेंसिबल एंड इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी। इसे मैं सेट कर लूंगी यूजिंग द मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट एंड इसे सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये लिक्विडी होगा या फिर थोड़ा बहुत वेट भी होगा तो जो आई शैडो हम लगाएंगे वो अच्छी तरीके से ब्लेंड बिल्कुल नहीं होगा। सो इसे टोटली सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं ब्लैक आईलाइनर लूँगी। ये म्यूज़िक फ्लावर का आईलाइनर है एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आईलाइनर एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सो ये एक्चुअली दो कलर में आता है, इसके साथ ब्लू कलर भी है। तो इफ़ इन केस आपका ड्रेस ब्लू है तो जस्ट कलर्स स्विच कर लेना ब्लू कलर से, बट मैं ये ब्लैक वाला कलर लगाऊंगी एंड इसे मैं आईलिड पे प्लेस कर लूँगी। कि बहुत ज़्यादा जल्दी सेट हो जाता है तो मेक श्योर ये थोड़ा सा ध्यान से करो अगर आप ये वाला आईलाइनर यूज कर रहे हो तो। नेक्स्ट इसके ऊपर ब्लैक आई शैडो लगाना है, उसके लिए आई एम यूजिंग दिस पैलेट। ये जैकलिन हिल का पैलेट है, इट्स अ ड्यूप और अ फेक पैलेट जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था फॉर 600 एंड समथिंग रुपीज, बट ये आई थिंक 300 रुपीज में अब मिलता है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसे वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमने ब्लैक आई शैडो लगाया है एंड इसके जो लाइक पिगमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। If at all you're looking for an affordable palette, तो ये पैलेट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये जितनी भी हार्श लाइन्स है उसे थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए ये वाला कलर लूंगी एंड ये चॉकलेट ब्राउन कलर है एंड उसे मैं एक क्रीज क्रिएट करूंगी एंड प्लस जितना भी हार्श लाइन दिख रहा है उसे मैं ब्लेंड करूंगी। एंड ये एक्चुअली सेट हो चुका है टोटली तो ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो मेक श्योर कि इसी मोशन पे आप ब्लेंड करते रहो। ओके सो मैंने इसे टोटली ब्लेंड कर लिया है एंड अब मैंने एक वेट टिश्यू लिया है जिससे मैंने इससे पहले मैंने जो लिपस्टिक लगाया था वो मैंने इसे वाइप किया था, दैट्स व्हाई इट्स पिंक। तो जितने भी लाइक यहाँ पे जितना भी बाहर आ चुका है ब्लेंड करते करते उसको मैं थोड़ा सा वाइप कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आई लाइनर लगाऊंगी एंड ये NYB का आई लाइनर है। सो आई जस्ट वेंट अहेड एंड वोर माई लेंसेज
एंड अब मैं करूंगी मेरे बाकी का फेस मेकअप एंड उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन एंड ऑयल को डिफाइन करूंगी. सो ये वाला फाउंडेशन लगा रही हूँ, एलए कलर्स का ट्रूली मैट फाउंडेशन. ये काफी ज्यादा लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है एंड सुपर डुपर ये एंड ये लाइक टोटल हाई कवरेज फाउंडेशन है. सो ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड मेरा शेड है इसमें न्यूड. उसके बाद मैं कंसीलिंग करूंगी एंड ये मेरे अंडर आईज को थोड़ा सा लाइक ब्राइटन भी करेगा क्योंकि दे लुक टायर्ड. एंड ये मेबेलिन का कंसीलर है क्योंकि काफी ब्राइटनिंग कंसीलर है. इसे मैं जल्दी से सेट करूंगी यूजिंग द मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट क्योंकि वरना ये बहुत जल्दी क्रीज होने लगता है. उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी मेरा आई मेकअप एंड उसके लिए मैं ये कोल पेंसिल ले रही हूँ. ये बेला वॉस्टे का कोल पेंसिल है एंड इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लूंगी. एंड मैं इस पैलेट के सेम ब्राउन शेड से इसे स्मज करूंगी. उसके बाद मैं मेरे लैशेस को कर्ल करूंगी और लगाऊंगी ये वाला मस्कारा. ये एलन ब्लू का मस्कारा है, काफी अच्छा मस्कारा है ये. अब मैं करूंगी थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग एंड उसके लिए मैं ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ. ये माई ग्लैम का पैलेट है इन द शेड शो स्टॉपर. नेक्स्ट ब्लश के लिए आई एम यूजिंग दिस. ये एसेंस का ब्लश है एंड ये ओम्ब्रे ब्लश है तो इसमें से मैं ये पीच कलर लूंगी एंड ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड ब्लश है तो मेक श्योर यू डैब ऑफ द एक्सेस. हाइलाइटर के लिए आई एम यूजिंग दिस. ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, इसके अलावा मैं शायद ही कुछ यूज करती हूँ. ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है इन द शेड प्रेशियस पेटल्स. लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग दिस. ये स्टूडियो वेस्ट का लिपस्टिक है इन द शेड जमैका एंड ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल आते हैं, काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, प्लस इनकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट होती है. बट आई डोंट थिंक ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट के स्टोर्स में आपको आराम से मिल जाएगा. I'm waiting and always hesitating.
आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक ज़रूर पसंद आया होगा. इफ़ एट ऑल आप लोगों को मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Also follow me on my Instagram, the link will be in the description box. Thank you so much for watching this video.